चलिए तो आज हम लोग बात करने वाले हैं लव स्टोरी 2 जो नेटफ्लिक्स ओरिजिनल की मूवी है, सीरीज में है, मूवी है जिसका सेकंड पार्ट आया है जिसमें हमें चार अलग अलग शॉर्ट स्टोरी देखने को मिलती है। और पहले इसका पार्ट काफी ज्यादा पॉपुलर रहा था नेटफ्लिक्स पे और काफी ज्यादा चर्चित था, इसके वजह से उन्होंने दूसरा पार्ट निकाला है। लेकिन क्या वो पहले पार्ट जितना भी अच्छा है? तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो मूवी बनाई है, ये जो पार्ट बनाया है, उनमें स्टार कास्ट काफी ज्यादा बढ़िया थी। जैसे कि हम रूडा ले ले, अंगद बेदी ले ले, उसके साथ हम तमन्ना पाटिया, विक्रम वर्मा ले ले, काजोल ले ले, तो ये जो इन लोगों ने स्टार कास्ट अच्छी अच्छी सिलेक्ट की है, लेकिन उससे अच्छी स्टोरी लाइन भी तो होनी चाहिए कि लोगों को देखने में मजा आए। यहाँ पे बिल्कुल भी हमें डिसअपॉइंटमेंट ही देखने को मिलता है, कोई भी इंटरेस्ट नहीं किसी भी स्टोरी में। मतलब पहली स्टोरी तो बनाई ही क्यों है, वो ही मेन चीज है कि सिर्फ ऐसे दिखावे के लिए बनाया है कि नहीं चार स्टोरी हमें डालनी थी तो फोर्थ स्टोरी मिल नहीं रही तो डाल दी। लेकिन उसके बाद हम लोग बात करें तो दूसरी स्टोरी भी काफी ज्यादा ऐसे रियलिटी में तो आप सोच ही नहीं सकते वैसी स्टोरी है दूसरी। और तीसरी स्टोरी जो तमन्ना पाटिया और विक्रम वर्मा की है, वो स्टोरी पूरी ग्रीन स्क्रीन में शूट की गई है, वो कोई भी देख के बता देगा क्योंकि इतना बेकार VFX का काम किया गया है अंदर। विक्रम वर्मा भाग रहे हैं तो हमें पूरे ग्लीचीज दिख रहे हैं, वहां पे उनकी बॉर्डर दिख रही है, बॉर्डर से ग्रीन हो रहे हैं वो भी दिख रहे हैं। मतलब इतना बेकार काम, अगर बजट कम था तो आप रियलिटी में शूट कर लेते हैं, VFX के चक्कर में पड़ना ही क्यों है अगर आपका बजट नहीं है, क्योंकि वैसे भी आउटपुट बेकार ही आने वाला है, लोगों को देखने में मजा ही नहीं आएगा, जो एक्सपीरियंस मिलना चाहिए वो एक्सपीरियंस ही नहीं मिलेगा, तो फिर उस चीज का मतलब क्या है। और हम फोर्थ स्टोरी की बात कर ले तो फोर्थ स्टोरी में भी कोई इंटरेस्ट नहीं। मतलब कि पूरा लव स्टोरी का जो पार्ट 2 था वो उन्होंने बेकार, मतलब कि जो पहले पार्ट की पॉपुलैरिटी थी वो भी चली जाएगी। यहाँ पे तो कोई लोग बात करने के लिए भी तैयार नहीं होंगे। ट्विटर पे भी ट्रेंडिंग में इतना कुछ खास चल नहीं रहा था, लोग गालियां ही दे रहे थे क्योंकि बनाया इस तरीके से कि हम बोले क्या, कुछ इंटरेस्ट वाली चीज ही नहीं थी इसमें। पूरा टाइम वेस्ट 2 घंटे की ये चीज बनाई है नेटफ्लिक्स ने। ऑलरेडी नेटफ्लिक्स को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म मिल रहा है कि वो लोग इंडिया में इतना ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अच्छी अच्छी स्टोरी लाइन वाली मूवीज नहीं ला रहे हैं। फिर भी उसका एक एग्जांपल ये भी आ जाएगा ऐड करके कि लव स्टोरी 2 जो पहली लव स्टोरी थी उससे भी काफी ज्यादा बेकार। पहली तो फिर भी अच्छी थी स्टोरी लाइन के हिसाब से, लेकिन दूसरी तो मतलब क्या ही कहे। यहाँ पे नेटफ्लिक्स को इसमें पता नहीं कितने बजट में ये बनाई है, लेकिन बनाने की जरूरत ही नहीं थी। अगर अच्छी स्टोरी लाइन नहीं थी तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट किया जा सकता था, दूसरे स्टोरी लाइन ऐड किए जा सकते थे, नई स्टोरी थिंकिंग की जा सकती थी। लेकिन यहाँ पर नेटफ्लिक्स ने पता नहीं क्यों अप्रूवल दिया और ये लोग ये मूवी का पार्ट 2 लेके आए जिसमें चार अलग अलग स्टोरियां है। मतलब कि ये कहीं से भी काम नहीं कर रहा है, कुछ भी वर्किंग नहीं है। मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि मत देखो यार इसे, उससे अच्छा दूसरी कोई मूवी देख लो, उसमें थोड़ी बहुत तो सेंस होगी और थोड़ा बहुत तो स्टोरी हो ही जाएगा, इसमें तो कुछ भी नहीं है, तो मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। अगर आपको ये वीडियो लाइक अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले। और आपने अगर देखा है तो आपको अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप कैसी है। मुझे तो मजा नहीं आया देखने में, तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।